रायपुर से जब सरकार ने शुरू कर दी है धान खरीदी की तैयारी। इस साल 160 मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य आपको बता दे रखा गया है। इसके अलावा खाद्य विभाग की समीक्षा बैठक में तय किया गया है लक्ष्य। धान खरीदी के लिए बरदाने की उपलब्धता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल ने क्या कुछ कहा है, सुचारू रूप से धान खरीदी करने के निर्देश उन्होंने दिए हैं। इसके अलावा खरीदी की तारीख कैबिनेट की बैठक में तय होगी, इस तरीके की भी बात सामने आई है। तो सरकार ने शुरू कर दी है धान खरीदी की तैयारी। आपको बता दें कि इस साल 160 मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य जो है वो सरकार ने रखा है। खाद्य विभाग की समीक्षा बैठक तय किया गया है लक्ष्य और धान खरीदी के लिए बरदाने की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। साथ ही खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल ने इस पूरे मामले को लेकर कहा है कि सुचारू रूप से धान खरीदी करने के निर्देश दिए गए हैं, साथ ही खरीदी की तारीख कैबिनेट की बैठक में तय होगी। खरीदी को लेकर सरकार की तैयारियां तेज हो गई है और कल खाद्य विभाग की समीक्षा बैठक हुई थी जिसमें धान खरीदी को लेकर जो है चर्चा की गई है। और हमारे साथ तो इस विषय पर बात करने के लिए खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल जी, उनसे बात करेंगे। सर, धान खरीदी होनी है आगामी दिनों में, इस बार कितना लक्ष्य रखा गया है और क्या तैयारियां चल रही है? क्या है, कल विभाग की समीक्षा बैठक लिए थे और मुख्य रूप से क्या है, धान खरीदी सामने है और इस साल 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है और उसी के अनुपात में हम लोग तैयारी कर रहे हैं और विभाग की समीक्षा लिए हैं। समीक्षा में सभी प्रकार के अपने विभाग में जो कार्य संचालित है उसका भी जानकारी लिया गया है, जैसे कि चावल वितरण से लेकर के कार्ड आवंटन की स्थिति, जो राशन कार्ड आवंटन की स्थिति और साथ ही साथ नापतोल विभाग नापतोल का भी समीक्षा किए हैं। चूंकि धान खरीदी है ये सब तैयारी हेतु कल के बैठक रखा गया था और मुख्य रूप से राशन वितरण का है, राशन वितरण का समीक्षा किए हैं। हर महीना राशन पहुंचना चाहिए और पूरे राशन कार्डधारियों पर राशन मिलना चाहिए। कई जगह ये शिकायतें आती कि पीडीएस दुकानों में राशन जो है वो सही समय पर नहीं मिल पा रहा है लोगों को, चावल की कहीं कहीं समस्याएं, तो इसको लेकर कुछ दिशा निर्देश दिए गए क्या? ऐसा नहीं है, हाँ दिशा निर्देश दिया गया है, हमारा सभी अधिकारियों के दिशा निर्देश किए हैं कि हर महीना चावल उस जो केंद्र है अपना राशन दुकान तक के चावल पहुंचना चाहिए ताकि हर महीना जितने राशन कार्डधारियों हैं उन सबको राशन प्राप्त हो, इसका भी समीक्षा बैठक की है। इस बार लक्ष्य बड़ा रखा गया 160 लाख मीट्रिक टन और देखा जाता है कि बारदाना एक बड़ा संकट रहता है बारदानों का, तो उसको लेकर क्या कुछ मांगे गए केंद्र सरकार से भी, बारदाने मांगे गए? बारदाना का हम पूरा तैयारी कर लिए हैं और हमारे पास बारदाना पहुंच भी चुका है और बारदाना और भी ऑर्डर दे रहे हैं, तो धान खरीदी में किसी प्रकार बारदाना की कमी ना हो इसको भी हम कल के समीक्षा बैठक में रखे थे मुद्दा। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे मंत्री दयाल दास बघेल, जिन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि कांग्रेस पहले अपने गिरफा पर झाकर देखे और इस पर आत्ममंथन करे। साथ ही उन्होंने ये कहा कि छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर तैयारी लगातार जारी है और इस बार सरकार जो है 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदेगी। कैमरामैन भूपेश जांगड़े के साथ स्वप्निल गोरखेड़े, INH News।